बस हम लोग को राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी बस पसंद है। जो भी बोला ना राहुल गांधी, शुरू से लेकर अंत तक जो भी बोला, हम लोगों के लिए सब सही था और सब अच्छा लगा। हम लोग को अच्छा से अपना राज को, झारखंड राज को सफल बनाना है। इस खटाखट तो दे रहा है, नहीं दे रहा है का? अब जनता विदा ले रही है, कुछ लोग अपने नेता को देखने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी यहां से अब विदा लेते हैं और आपको लिए चलते हैं सिमडेगा के जनता के बीच कि आखिर वह क्या कहती। हम लोगों को जिस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया, हम आदिवासी हैं और खासकर आदिवासियों की जिस तरह से दुर्गति हुई है, उस हिसाब से उन्होंने हमारी रक्षा के लिए एक वचन दिया और जल जंगल जमीन जो आदिवासियों का है और उनका जीवन विशेष रूप से जल जंगल और ज़मीन पर ही आश्रित है और इनकी यह पहचान है जल जंगल और ज़मीन और इसकी रक्षा के लिए इनके ये मालिक है, इनका आश्वासन राहुल गांधी ने हमें दिया है। जी क्या कह रही, जल जंगल ज़मीन हम लोग को बचाना है और जो लड़ाई हो रहा है, जात जात को बांट रहा है, धर्म को बांट रहा है, उसको हम लोग बेल प्रेम से रखेंगे। बल्कि न्याय यात्रा रखा और उसी के लिए हम लोग खुश हैं और उसी को हम लोग सरकार बनाए। राहुल गांधी कोनो काम की बात बोले? काहे नहीं बोलेंगे, उतना सारा हम लोगों के लाभ के लिए बताए, हम लोगों का जीविका के लिए बताए, आगे बाल बच्चों के लिए बताए, सब कुछ के लिए, जंगल झाड़ से जमीन सब चीज़ के लिए, हमारे रक्षा के लिए ही बताए। यहाँ फालतू का थोड़े भाषण देने आए थे। क्या बोले, हम लोगों को मोदी सरकार इतना दिन में क्या दिया? कुछ दिया? गैस को दिया बुद्धू बना के, उसका हम लोगों को कितना रेट बढ़ा के दिया। आज गरीब लोग गैस नहीं जला पा रहे, गैस से खाना नहीं पका पा रहे हैं। राहुल गांधी जो भी बोला और जो भी बताया सच बोला और हमारे लिए वही सच रहेगा। जो अभी तक से लेके जब तक रहेगा राहुल गांधी, हमारे लिए अच्छा ही करेगा और अच्छा ही करके जाएगा। बहुत अच्छा बात बोले, जो हमारे झारखंड के पब्लिक को ये लागू होता है। हम लोग को अपना अस्तित्व को बचाना है और किसी के बहकावे में नहीं जाना है। हम लोग का जल जमीन जंगल हम लोग का आदिवासी से हटाएंगे बोल रहे हैं विदेशी लोग, बीजेपी लोग, तो हम लोग का जमीन वापस होगा जो चल गया है उसको। इसलिए जो जैसे कि मैया योजना का, सिलेंडर का, बिजली का और भी जो बताए वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इमोशनल हो रही। आप बताइए, क्या राहुल गांधी के भाषण में क्या ठीक लगा? राहुल गांधी के भाषण में ठीक, अभी तो बिजली बिल माफ़ किया, हम लोग युवा रोजगार के लिए अभी बोला कि युवाओं को रोजगार मिलेगा झारखंड में, वो अच्छा लगा। हमारे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ काम की बात बोले? बोले सर। क्या बताइए, मैया सम्मान योजना का किए, 450 का गैस सिलेंडर देंगे बोले, ये ठीक बात लगी। और खटाखट 2500 देंगे बोले हर महीना। अच्छा, ये अच्छी बात है। 2500 क्या तैयारी अगर मिलने लगेगा तो? हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम लोग को तो सहयोग मिल रहा है उसे। हम लोग को सब अच्छा लगा, जो बोला सब अच्छा लगा। और खटाखट तो खटाखट तो दे रहा है, नहीं दे रहा है का? दे रहा है। नहीं दे रहा है। सब बात ठीक लगा। ठीक लगा? हाँ। कौन सा बात आपको लगा कि आपके लिए बहुत जरूरी है उसमें? सब बात ही अच्छा लगा। हम लोग जंगल में रहते हैं जी। हाँ, तो जंगल के अधिकार की बात कर रहे हैं। हाँ। जंगल झाड़ में रह के हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिलता है। हाँ। अगर जीत के ही आएंगे तो आपको उम्मीद है देंगे। हाँ। आपकी क्या राय है? हम लोग अभी सब वही राय है, जो बोला वो सही बोला, हम लोग के लिए बोला। और राहुल गांधी की क्या बात ठीक लगी आप? राहुल गांधी जो युवाओं को रोजगार देंगे बोले और जो भी अभी दे रहा है हमारी महिला लोग को, 15 महीना में अभी 1000 दे रहा है, तो पूरा खटाखट 1000 आ जा रहा है। अभी जो जीतेगा तो 2500 देंगे बोला है, वो भी देगा। इसलिए हम लोग को वही बात अच्छा लगा कि हम लोग जो भी हैं, कांग्रेस में जात पात धर्म को नहीं देखा जाता है और मोदी सरकार हिंदू धर्म घोषित करेंगे बोलते हैं, इसलिए हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। और हमारा यही है कि कांग्रेस सभी धर्म सभी जाति एक, हम लोग भाई भाई हैं, तो हमारा भारत देश सभी धर्मों का देश है, इसलिए हम लोग को राहुल गांधी सबसे अच्छा है। तो राहुल गांधी की जो घोषणाएं थी और जो मसले थे वह बहुत कमाल के थे और आप दूर दूर तक भीड़ देख सकते हैं, चारों तरफ महिलाओं की सबसे बड़ी आबादी है, संभवतः जो उनके लिए लाभ का हिस्सा है। आप चाहेंगे भीड़ दिखाइए, बात तो आती रहेगी, आगे बढ़िए। और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में दूर दूर महिलाएं दिखाई दे रही हैं,
हवा में कांग्रेस और जेएमएम का झंडा दिखाई दे रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह रही कि राहुल गांधी किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद पर भाषण नहीं दिए, किसी भी तरह के घुसपैठ पर बात नहीं किए, बल्कि पार्टी ने जो मुद्दा है उस पर बात करने की कोशिश की। और राहुल गांधी ने देश को बताया, झारखंड को बताया कि अगर सरकार बनती है तो उन्होंने जो वादे किए उसको पहले महीने से पूरा किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।